काला क्यों मारे मोती जी? दुकान धोखे से ही छोड़ कर चले गए हैं खुलल, इसीलिए हम लोग इसमें ताला मारे हैं। दुकान की सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए, हम लोग रात का ड्यूटी में रहते हैं, कोई तरह की घटना घट जाएगी, इसलिए अपना बचाव के लिए दुकान को बचाने। कौन कौन आए हैं सुरक्षा में? सुरक्षा में तो बढ़िए हमारा SDPO साहब हैं, उसके बाद SDO साहब हैं, हम लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, सभी पदाधिकारी हैं, सभी का सामने मामला है। भागलपुर के नवगछिया शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद भी दुकान संचालित किए जाने पर शहर के दो दुकानों को सील किया गया है। इस कार्यवाही के दौरान दुकान के एक कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने कार्यवाही कर दुकान को सील किया है। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि शहर की दो दुकानों को सील किया गया है। सील किए गए दुकानों में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान एवं एक हड़िया पट्टी स्थित दुकान को सील किया गया है। कई घंटों तक सर बाजार का आपने निरीक्षण किया, क्या कहेंगे सर? कई घंटों तक बाजार में का निरीक्षण हमने नहीं किया, मैं और मेरे SDPO साथ दोनों मिल के किया, और मेरे साथ जितने भी सबॉर्डिनेट हैं सभी मिल के किया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि विगत एक सप्ताह का हमने सर्वेक्षण किया, इसमें यह बात स्पष्ट हुई कि 200 से ऊपर कोरोना संक्रमित लोग पाए गए, और यहाँ जो प्रतिशत है कोरोना जांच में पॉजिटिव होने का वो करीब 40% के आसपास है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है, भयावह स्थिति पैदा हो सकता है। इसे हम लोग संक्रामक और फैल सकता है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का भय इस तरह चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ में देखा कि अधिकारी सुबह से शाम तक इंटरव्यू के लिए इन सब का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ इंटरव्यू देने नहीं पहुंचा। दरअसल ये पूरा मामला भागलपुर रेलवे जंक्शन का है, जहां रेलवे प्रशासन के द्वारा भागलपुर में लगातार कोरोना संक्रमण के जद में आकर दर्जनों रेलवे कर्मचारियों के संक्रमित होने को गंभीरता से लेते हुए कोविड अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया। इसको लेकर रेलवे प्रशासन ने भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के पार्सल ऑफिस के समीप नए बनाए गए ऑफिस रेस्ट रूम में 20 बेड का अत्याधुनिक कोविड अस्पताल तैयार भी कर दिया, जहां अभी तक 3 चिकित्सकों की तैनाती भी कर दी गई, लेकिन 20 बेड के इस कोविड अस्पताल में संक्रमित मरीजों का बेहतर इलाज करने के लिए 6 डॉक्टर और 12 नर्स की प्रतिनियुक्ति करने की आवश्यकता थी। बजाबता अनुबंध पर जॉब के लिए रेलवे प्रशासन के द्वारा इंटरव्यू का प्रावधान था और इसको लेकर विज्ञापन भी निकाला गया, और इंटरव्यू लेने के लिए मालदा डिवीजन के DPO BK राय भागलपुर स्टेशन के अधिकारी वेटिंग रूम में अभ्यर्थियों का इंतजार करते रह गए। लेकिन इसे महामारी का डर कहें या कुछ और, अधिकारी सुबह से शाम इंटरव्यू के लिए चिकित्सक और नर्स का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी साक्षात्कार देने नहीं पहुंचा। मीडिया पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का संविदा के आधार पर हम लेते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल है हमारा, 6 वैकेंसी हमारे पास इस समय है, और जो आप जान रहे हैं रूबरू हो रहे हैं हम लोग कोरोना के, तो ऐसी काई है मकानों पर, धूप के पांव भी फिसलते हैं, कुदरत सी उम्र भर भटकती है, लोग इतने पते पर। हमें सिर्फ इस बात की है कि हमारे पास जो आज ऐसी विपदा आ पड़ी है, ऐसी विपत्ति आ पड़ी है, उसमें सारे तबके के लोग, डॉक्टर हों, वकील हों।